ये है सभी तर्क न्यूज सच की आवाज। भरारी रतनपुर से हरीश मारवा की खास खबर। आप देख रहे हैं भरारी सेमरी का यह स्कूल। अमृत मिशन योजना के अंतर्गत नहर के किनारे खूटा घाट से लेकर बिलासपुर तक गहरी खुदाई की गई, जिसमें अमृत मिशन के पाइप को डाला गया, लेकिन खुदाई के बाद गड्ढे को पाटा नहीं गया है, जिससे बच्चे इसमें गिर सकते हैं और बहुत गहरा भी है, जिसे गंभीर चोटें भी आ सकती है। ग्रामीण आने जाने में इस रोड से परेशान हैं। फिर सोचें कि स्कूल बच्चों का खुल गया है तो स्कूल कैसे जाएंगे इस रास्ते से। नगर निगम बिलासपुर का इस पर कोई ध्यान नहीं है। कई महीनों से अमृत मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन बिछाने के बाद भी गड्ढे को नहीं पाटा गया है, सड़क को नहीं सुधारा गया है, जिससे बच्चे इसमें गिर सकते हैं। लक्ष्मी प्रसाद कौशिक ग्राम सेमरी का रहने वाला हूँ, जो कि जो अमृत जो पाइप लगा है अंदर में उससे बहुत गड्ढा हो गया है। अच्छा, उसके मतलब पाइप बिछाने के बाद उसको पाटा गया है तो कैसा होगा? वो गड्ढा हो गया है पचक करके पानी में। बच्चों को आने जाने में सुविधा नहीं है, असुविधा है, कोई भी बच्चे गिर जाते हैं गड्ढे में, चलने के लिए उसको परेशानी हो रहा है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ नगर निगम को कि आकर के उसे सुधारिए। नगर निगम बिलासपुर के अंतर्गत है, जो स्कूल के सामने जो गड्ढा है और नगर निगम वाले उसको माटी नहीं पे डाला है, इसलिए बच्चे लोग जो गिर रहे हैं पानी हो रहे हैं, इसलिए उसको आकर के नगर निगम वाले सुधारे। परिचय बताइए। मुन्ना रविकांत पालेकर है, मैं सेमरी के ग्राम पंचायत भरारी के आश्रित ग्राम सेमरी के वार्ड क्रमांक 16 के पंच हूँ। और हमार समस्या है सेमरी माँ के ये गड्ढा खोद दिए गए है और वहाँ किसान मन का बहुत परेशानी होते, वहाँ फसल खराब हो चुकी है। ये अमृत मिशन के नाम से गड्ढा खोदे गए रही से, नगर निगम वाला बनाहा कर रही से नाली ला और सोचे गड्ढा छोड़ दे है, ओकर नाम से हमार जिन गांव के मूल धारा जो जाते तालाब में भरते और पटाया गया है, ओकर नाम से फसल है पूरा खराब होते। एकर नाम से हमन लइका मन ला आए जाए में स्कूल आ जाए में बहुत तकलीफ होते और आम रोड भी है मतलब खराब हो चुके हैं। मेरा नाम संजय कुमार कौशिक है जी। मैं ग्राम सेमरी में रहता हूँ जो कि भरारी ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। ग्रामीणों की समस्या यह है कि आप सड़क पर चल नहीं सकते हैं, अमृत मिशन के अंतर्गत खुदाई की गई है नहर की, तो इसमें क्या क्या समस्याएं ग्रामीणों को हो रही है इसको बताइएगा। ग्रामीणों से ज़्यादा तो स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को हो रहा है, क्योंकि पूरा जो रोड है उसको अमृत मिशन के द्वारा जो कार्य करवाया गया है वो खोद दिया गया है। अच्छा, और उसको वैसे ही रख दिया गया है जिससे बच्चे स्कूल आने में असमर्थ हैं और आते हैं तो गिरते हैं, उसमें गड्ढे में गिर जाते हैं, कभी कपड़ा फटता है, कभी किसी का हाथ टूट जाता है। इस स्थिति से बच्चे लोग गुजर रहे हैं कि नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं श्री राम शरण जी, वे इस ओर आकर्षित हों और देखें, बच्चों के समस्या को देखें, और उनसे मैं विनती करूंगा कि वे आकर इस रोड को बनवाएं ताकि बच्चे लोग आसानी से स्कूल आ जा सके। ये था रतनपुर भरारी से हरीश मारवा की खास खबर। आप भी देखते रहिए सभी तर्क न्यूज। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे पहला खबर आप ही को मिले। ये है सभी तर्क न्यूज सच की आवाज़।